गाइस फिर से हाजिर हूँ एक नई शानदार बम्पर वैकेंसी के साथ, जिसमें डिप्लोमा बीटेक फ्रेशर बिल्कुल ही एलिजिबल है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, जिसमें लगभग सभी ब्रांच एलिजिबल है। सैलरी आपको अच्छा खासा दिया जाएगा। टेक्निकल फील्ड का कोई सा भी वैकेंसी आता है, मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। आप भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, क्योंकि टेलीग्राम पर भी मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं। तो ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है BPCL की तरफ से, जी हां, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसमें बम्पर हायरिंग होने वाला है। ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का एक गवर्नमेंट अथोराइज इंटरप्राइजेज है। ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है बीना रिफाइनरी की तरफ से, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है। ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए है। आपको पता है कि आप लाइफ टाइम में एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते हैं और पास आउट होने के ओनली 3 साल के अंदर अप्रेंटिस कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं अप्रेंटिस करने के क्या फ़ायदा, तो भाई आपको इसमें अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है। देख सकते हैं इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए वैकेंसी है। तो पहले यहाँ पर बीटेक के लिए देख सकते हैं वैकेंसी दिया गया है, फायर एंड सेफ्टी में, क्वालिटी अश्योरेंस में, HR फाइनेंस कमर्शियल में। देखिए फायर एंड सेफ्टी में आपके पास BE या BTEC होना चाहिए। उसी प्रकार से देख सकते हैं क्वालिटी अश्योरेंस में आपके पास बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं BCOM होना चाहिए आपके पास। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ग्रेजुएट के लिए 14 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 4। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 1 साल रहेगा। आपको स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा खासा दिया जाएगा, अदर अप्रेंटिस से ज़्यादा, जितना HPCL में मिलता है उसी नार्स अनुसार आपको यहाँ पर देख सकते 25,000, 18,000, 18,000। तो आपको क्या 1 साल ट्रेनिंग करना है, आपको फर्दर रिजर्वेशन भी मिल जाएगा और अच्छा खासा आप स्टाइपेंड भी मिल जाएगा और फर्दर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा लाइफ सेटल हो सकता है। डिप्लोमा की बात करें तो इसमें देख सकते हैं अच्छा खासा वैकेंसी है, प्रोसेस में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन, सिविल में। आपके पास डिप्लोमा केमिकल या पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए। मैकेनिकल में ओनली आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में उसी प्रकार से देख सकते हैं इंस्ट्रूमेशन में, इंस्ट्रूमेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंट्रोल सारा चीज़ में दिया गया। सिविल में देख सकते हैं सिविल में वैकेंसी है। प्रोसेस की बात करें तो 25, मैकेनिकल में 12, इलेक्ट्रिकल में 6, इंस्ट्रूमेशन में 6 और सिविल में 3। टोटल 52 वैकेंसी रहा गया है। आपको ड्यूरेशन 12 महीना रहेगा ट्रेनिंग का और इसमें देख सकते हैं अच्छा खासा स्टाइपेंड। अदर स्टाइप अप्रेंटिस में क्या होता है, आपको 8,000 से 9,000 स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा डबल स्टाइपेंड मिल रहा है और साथ ही साथ आपका जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश रहने वाला है, वहाँ पर भी बार बार वैकेंसी आते रहता है, आपका परमानेंट जॉब हो सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास BE या BTEC OBC और जनरल के लिए 60% के साथ और SC ST PW के लिए 50% के साथ होना चाहिए। उसी प्रकार से डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में भी आपके पास 60% OBC और UR के लिए और SC ST के लिए 50% के साथ 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स मिल जाएगा। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, दी ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपसे 1 साल का ट्रेनिंग करवाया जाएगा और आपको पता है कि जितना भी अप्रेंटिस का वैकेंसी आता है डिप्लोमा बीटेक के लिए, आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है। तो अभी तक आप नहीं रजिस्टर हुए, जल्द ही रजिस्टर कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया कि सबसे पहले आपको नेट्स पर रजिस्टर करना है, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर आएगा, 1 या 2 दिन में आ जाता है इनरोलमेंट नंबर। उसके बाद फर्दर आपको क्या करना है, अपना अप्लाई कर देना है। सारा चीज़ में डिटेल से देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फी नहीं पे करना है, नो पे, मतलब किसी भी कैटेगरी से कोई फी नहीं पे करना है। सिलेक्शन प्रोसेस हम डिटेल से बात करेंगे यहाँ पर। इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसका अप्लाई 28 जनवरी से शुरू है। लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट मतलब रजिस्टर करने का आपका अंतिम तिथि 6 फरवरी रखा गया है और आप 8 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल से दिया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ डिटेल से बताया है। जिनके पास पहले से ट्रेनिंग है अप्रेंटिस में, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप लाइफ टाइम में एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते, चाहे आप जहाँ से कीजिए। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द मेरिट बेस्ड ऑन CGPA ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द कम्युलेटिव परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, इसके हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगा। और सबसे पहले ये एग्जाम या इंटरव्यू के लिए आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जितना परसेंटेज या CGPA आपने गेन किया है उसके हिसाब से ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो अच्छा खासा देख सकते हैं, और इसका जॉब लोकेशन MP में रहने वाला है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बताया गया कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा या बी टेक सिर्फ और सिर्फ कहाँ से किए हैं, MP से किए हैं, मध्य प्रदेश से किए हैं ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास डिग्री या डिप्लोमा MP से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई हु हैव डन देयर डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रिफ्रेंस विल बी गिवेन टू द कैंडिडेट्स हु आर रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सागर। यहाँ पर मतलब जो सागर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको ज़्यादा प्रिफ्रेंस दिया जाएगा, क्योंकि उसी में ये बिना रिफाइनरी देख सकते आया है। और जो MP से अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं वही इसके लिए एलिजिबल है। तो टेक्निकल फील्ड का कोई सा भी वैकेंसी आता है, मैं ढूंढ ढूंढ कर उसका वीडियो जरूर बनाता हूँ, इसलिए आप चाहते हैं कि किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। यदि आपका ब्रांच मैच नहीं करता है तो अपना क्वालिफिकेशन आप कॉमेंट में छोड़ दें, ताकि आपसे रिलेटेड फर्दर वैकेंसी मिलता रहे। धन्यवाद।